हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास वी आर ऑन चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इसी चैप्टर में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के बारे में जिसमें हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स को थ्रोली डिस्कस किया था आज हम नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ मार्केट है मोनोपोली उसके मीनिंग डेफिनेशन और उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक That is monopoly. If we come to the definition, mono means single and poly means to control, implying इम्प्लाइंग और ये दोनों चीज मिलके imply करती है वन सेलर द होल मार्केट इज अंडर हिज कंट्रोल एंड there इज a सिंगल प्रोड्यूसिंग यूनिट कॉल्ड फर्म और इंडस्ट्री जो सिंगल सेलर होता है या सिंगल प्रोड्यूसर होता है इसीलिए यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री दोनों मिलकर एक ही डेफिनेशन बन जाती है मतलब वही फर्म है और वही इंडस्ट्री है लाइक like examples. इंडियन रेलवे सो इशू ऑफ करेंसी बाई आर बी आई आर एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली क्योंकि हमें पता है कि भई जो इंडिया के अंदर करंसी इशू करता है वो सोल अथॉरिटी जो है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हम इसे कह सकते हैं इश्यू ऑफ़ करेंसी बाई आर बी आई आर एग्ज़ाम्पल ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली तो वैसे तो डिफरेंट मोनोपोलिस भी हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करते चलेंगे एज वी गो थ्रू द टॉपिक सो वी कैन से मोनोपोली इज जस्ट वन सप्लायर कोई कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि जब कोई कॉम्पिटिटर नहीं है सिर्फ एक सेलर है प्राइस पर कंट्रोल होगा एंड वेरी हार्ड टू एंटर द मार्केट चलिए अब चलते हैं डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिको तो नंबर वन फीचर इज सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अम इज द प्राइज मेकर बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिवली कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सप्लाई है क्योंकि वो फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड होती है जो इंडस्ट्री की सप्लाई है वो एक सिंगल सेलर ही इसको डिसाइड कर रहा है तो वो जो सेलर है वो उस सप्लाई को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और इसी वजह से जो प्राइस हैं वो भी कंट्रोल होते हैं बाय द तो हम कह सकते हैं सिंगल सेलर है और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर है

as there is only one seller of the product so it has no close substitution as there are no close substitution a monopolist does not face any competition ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हमारे हां अगर हम रेल नेटवर्क की बात करते हैं इंडिया के अंदर तो जो इंडियन रेलवे है आईआरसीटीसी वो भी एक तरह से ये कैटरिंग वगैरह अवेलेबल कराती है रेल नेटवर्क के अंदर और तो ये वहाँ पे एक तरह के मोनोपोली है एच ए एल है एच ए एल जो है वो एविएशन डिफेंस में है हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड तो ये भी एक अकेली ही कंपनी है जो इंडिया के अंदर एविएशन से रिलेटेड डिफेंस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में 97 परसेंट की मोनोपोली दिखाई हुई है नेस्ले सैरेक्ट में जो ये एक फूड प्रोडक्ट होता है फॉर द इनफेंट्स बच्चों के लिए और ऐसे ही जो कार्गो है और पीडीलाइट ये एक एडेसिव में भी पीडीलाइट आप जो फेविकोल आप आ, सुनते हैं फेविकोल तो वो एक तरह का मोनोपोल ही है हमारे यहाँ जो एडेसिव इंडस्ट्री है उसके अंदर तो ये कुछ टॉप कंपनीज हैं तो इनका आपको कोई क्लॉज सप्टेशन नहीं मिलेंगे लेट वीट अबाउट द नेक्स्ट फीचर ऑफ मोनोपोली एंड इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्क अब रिस्ट्रिक्शन क्यों है रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ लीगल बैरियर्स होते हैं सम काइंड ऑफ लाइसेंस पेटेंट्स जिसके कारण कोई भी कंपनी इस मार्केट के अंदर एंट्री नहीं कर सकती है सम काइंड ये जो बैरियर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स से यहाँ पे मतलब है कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूशनस हैं उनकी अथॉराइज उनकी अथॉरिटी होने ज़रूरी है लाइक स्टेट मोनोपोलीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो भी स्टेट बोर्ड के अंदर होती है और वाटर सप्लाई होती है वो भी स्टेट बोर्ड के अंदर होती है तो इंस्टीट्यूशनल परमिशनस होती हैं जो हमको हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स कह सकते हैं फिर कुछ नेचुरल बैरियर्स होते हैं कि सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो सम रीजनस में ही अवेलेबल होते हैं तो वो भी एक तरह से उस सप्लायर या उस फर्म के लिए एक की कंडीशंस को ही दिखाता है एंड नैचुरल बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स इन द मोनोपोली मार्किट तो ये तीन तरह के बैरियर्स हैं लीगल बैरियर्स इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स एंड नेचुरल बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स इन द मोनोपोली मार्किट सो उसका रिजल्ट क्या होगा मोनोपोली फॉर्म्स ऑन एबनॉर्मल प्रोफिट क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कोई उसका सप्लायर नहीं है जो प्रॉफिट को शेयर करेगा सो लॉन्ग रन में हम कह सकते हैं कि मोनोपोली जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है वो प्राइस मेकर होती है और उसे अपने सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए किसी तरह के प्राइस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है सो मोनोपोल इज सोल सप्लायर ऑफ ए प्रोडक्ट विद नो क्लोज सबूशन इसलिए बैरियर्स टू एंट्री है क्योंकि वो एक सोल सप्लायर है उसके लिए चाहे वो गुड्स का उसके पास पेटेंट हो या फिर कॉपीराइट्स हो या फिर उस फॉर्म में या उस इंडस्ट्री में एंट्री के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मोनोपोलिस्ट मार्केट इज बैरियर्स टू एंट्री न्यू फर्म्स कैन नॉट प्रॉफिटेबली एंटर द मार्केट बैरियर्स टू एंट्री आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन टू एन इंडस्ट्री तो एक लीगल इंस्ट्रक्शन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कंट्रोल रिसोर्स है नेक्स्ट फीचर डिस्कस करते हैं प्राइज डिस्क्रिमिनेशन एज मोनोपोलिस्ट इज द प्राइज मेकर एज वेल एज प्राइज टेकर ही समटाइम्स चार्जेज डिफरेंट प्राइज़ फ्राम डिफरेंट कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट एरियाज़ और जिसको हम प्राइज़ डिस्क्रमिनेशन के नाम से जानते हैं अब इसमें होता क्या है कि भाई जो मोनोपोली फर्म है क्योंकि उसका कोई कोल क्लोज कॉम्पूटर तो नहीं है अब वो क्या करता है कि डिफरेंट प्राइजिज uh, चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से अगर वो चाहे मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है लेकिन जैसे हम रेलवेज में देखते हैं कि रेलवेज में किसी एक डेस्टिनेशन के लिए जो फेयर होता है वो जो बिलो ट्वेल्व इयर्स मतलब कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए चार्जेस अलग होते हैं एक एडल्ट के लिए चार्जेस अलग होते हैं और एक जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं जिनकी एज सिक्सटी इयर्स से अबव होती है उनके जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं तो ये एक मोनोपोली का फीचर होता है कि वो अपने कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइज चार्ज कर सकता है सेम प्रोडक्ट के लिए और इस फीचर को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं नेक्स्ट इज फुल कंट्रोल आवर प्राइस एज यू नो डेट मोनो मोनोपोली जो है वो सिंगल सेलर है तो वो पूरा कंट्रोल करता है प्राइस के ऊपर सो मोनोपोलिस्ट इज द प्राइज मेकर एज ही हैज़ पावर टू सेट प्राइज ऑफ द गुड क्योंकि वो अपने आप हाँ ही प्राइस डिसाइड कर रहा है अपने गुड्स के तो उसके पास वो पावर है सिंगल मोनोपोलिस्ट इज़ द सिंगल प्रोड्यूसर ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइज तो हम कह सकते हैं ही इज़ ए प्राइज़ मेकर और वो जो चाहे प्राइज़ या जो चाहे वो प्राइज़ डिसाइड कर सकता है अपने प्रोडक्ट के लिए और वो प्राइज़ चेंज भी कर सकता है अकॉर्डिंग्स विद वॉट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे अलॉन्ग द डिमांड कर मतलब प्राइस को लेके उसको मार्केट के ऊपर मार्केट की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है ये मोनोपोली का एक फीचर है कि वो मोनोपोली पूरा कंट्रोल करता है प्राइस ऑफ़ द प्रोडक्ट को और इसी फीचर कहा जाता है फुल कंट्रोल ओवर प्राइस सो डेट्स ऑल फॉर द टुडे स्टूडेंट्स आज हमने फीचर ऑफ मोनोपोली और उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया तो हमारे नंबर टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बाद मोनोपली आज कंप्लीट हो जाती है थैंक यू हैव ए नाइस डे